Guys, good morning and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So it's 10:20 right now and अभी हम लोग गैंगटॉक के लिए निकल रहे हैं और ये जो है चुंगथांग है, यहाँ से अभी हम लोग गैंगटॉक जा रहे हैं. तो हम लोग जो है कल शाम 6:30 को हम गुरुदोंगमार एक्सप्लोर करके लाचेन से चुंगथांग तक आए थे और प्लान था छोलामू लेक विजिट करने का, लेकिन छोलामू लेक विजिट नहीं कर पाए हम लोग. और अभी जो है मैं फ़िलहाल हम लोग जिस रूट से आए थे वो रूट से नहीं जाने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रूट चूज़ करने वाले हैं फ्रॉम मंगान. और ब्रेकफास्ट वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग और यार थोड़ा सा थकान है क्योंकि कल जो है काफ़ी एक्सट्रीम राइड हो गया था गुरुदोंगमार से. और यहाँ से जो है मंगान ज़्यादा दूर नहीं है, शायद हाफ एन आवर ऐसा ही लगेगा. और मंगान से जो है हम लोग दूसरा रूट चूज करेंगे. मेरा जो है पहली बार था गुरुदोंगमार की तरफ, सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो वहाँ पे, ऑक्सीजन कम है और आप लोगों को पता ही है काफ़ी हाइट पे है गुरुदोंगमार, 17,300 फीट अबव द सी लेवल उसका जो प्रॉपर हाइट है उतना है गुरुदोंगमार का. और छोलामू जो है और भी ज़्यादा हाइट पे है. अनफॉर्चुनेटली छोलामू हम लोग जा नहीं पाए इस बार और नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करूँगा जब खुल जाएगा अच्छी तरह से. तो वहाँ पर जो है हाइट का थोड़ा सा इशू रहा सबको, लेकिन हम लोग ने थोड़ा जो है लोकल जुगाड़ करके लेके गए थे, अदरक लहसुन ये सब लेके गए थे खाने के लिए वहाँ ऊपर में, क्योंकि अदरक खाने से बॉडी गर्म रखता है और ब्लड प्रेशर भी लो नहीं होता है. टेली गाइज, हम लोग जब गुरुदोंगमार पहुँचे इतना मतलब खूबसूरत हो वेदर हो रखा था ना, क्या बताऊँ. और ये जो है नॉर्थ सिक्किम का टनल है. वाह मान रे बॉम अमेजिंग रोड्स, वी आर टोटल 9 राइडर्स. काफ़ी एंजॉय करके वापस जा रहे हैं गैंगटॉक की तरफ. और गुरुदोंगमार का एक खासियत ये है कि सीजन वाइज वहाँ का जो है व्यू लैंडस्केप जो है चेंज होता है. अभी का लैंडस्केप कुछ और है, आप जब मार्च अप्रैल में आएंगे तब फिर दूसरा होगा, क्योंकि उस समय जो है आप लोगों को फ्लावर्स वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा सा वैली वगैरह दिखने को मिलेगा. और दिसंबर में तो फुल आइस ऐसा है, मतलब सीजन वाइज वहाँ का जो है व्यू जो है चेंज होता है. तो यार नॉर्थ सिक्किम इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेस टू विजिट मैन. सो हाउ यू फीलिंग, वी आर गोइंग बैक आफ्टर अ ब्यूटीफुल ट्रिप. नामी आई एम फीलिंग ऑसम, फैंटास्टिक राइड, वन वर्ड है ऑसम. जुम जुम ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, yeah. I can fly.
करना होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके चलना होता है, बिकॉज रोक के ड्रोन शॉट्स लो, फिर ड्रोन को वापस लाओ, फिर बैग में डालो, ग्लोव्स खोलो, फिर लगाओ। और राइड में ना ग्लोव्स खोल के लगाने का सबसे झमेला काम लगता है मुझे। के गरेको चन्डै हिर्कायो थट डरा दिया यार ट्रक वालों ने। क्या करता है, मैं इधर से आ रहा हूँ उधर से ही आ रहा है, देखता भी नहीं साइड में कौन आ रहा है नहीं आ रहा, उतना हॉर्न लगा के आ रहा हूँ फिर भी यार। मतलब आर्मी हो तो कुछ भी कर सकते हो क्या भाई, थोड़ा देख सुन के चलाओ। और भी लोग चला रहते हैं बाइक गाड़ी रास्ते पर। तो ऑलराइट गाइस, वी रीच मंगान एंड गैंगटॉक जो है हम लोग अब जल्द ही पहुंच जाएंगे। और यहाँ से जो रास्ता भी काफ़ी ख़राब मिलने वाला है हम लोगों को, उतना ख़राब नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ख़राब थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा, मतलब मिक्स वाला। तो उस समय मतलब ट्रक ने मुझे इतना डरा दिया ना भाई, सच में नियरली डेथ एक्सपीरियंस था वो मेरा। अरे यार इतना रास्ता खुला हुआ था, मैं सोचा कि ओवरटेक कर लूँगा और हॉर्न भी लगाया, बट फिर भी वो लोग कहाँ से मतलब अचानक से इधर आ गया। आप लोगों ने देखा ही, मतलब क्या यार कुछ नहीं देखता, देख सुन के चलाओ भाई, सबका लाइफ इम्पोर्टेंट होता है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों ने जो दूसरा वाला रूट है वो ले लिया है। और यहाँ से जो आप अगर सिलीगुड़ी से आ रहे हो और बाहर से आ रहे हो और आपको अगर सिलीगुड़ी जाना है डायरेक्ट, तो ये रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये रूट से आप डायरेक्ट सिंगताम निकल सकते हो। सिंगताम से डायरेक्ट आप रंगपो से सिलीगुड़ी होके जा सकते हो। और यहाँ से गैंगटॉक भी निकलता है, गैंगटॉक यहाँ से पांगथांग होके गैंगटॉक निकल जाएगा। पिछले वाले रूट से मुझे ये रूट अच्छा लगा, क्योंकि ये उतना मतलब ख़राब नहीं है, ठीक ठाक रूट है। और जो पिछले वाला था वो पूरा मतलब ऑफ रोड था, पूरा ख़राब था, टूटा हुआ था। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये रूट से आ सकते हो। अगर आपको गैंगटॉक टाउन नहीं घूमना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से लाचेन लाचुंग जा सकते हो। आया बजियाले जोरले हिर्काए क्यों पुरा दुख्यो भयो त। यहाँ पे है एक छोटा सा वाटरफॉल्स और आपको ये वाटरफॉल भी दिखाऊंगा मैं कैसा दिख रहा है। हाँ मैन, लवली वाटरफॉल, काफ़ी ह्यूज है। सो लेट्स गो। आगे आपको और भी देखने को मिलेगा बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें, तो बने रहे व्लॉग में एंड तक। तो अभी जो फिलहाल सबसे पहले मिलेगा हम लोगों को दीक्षु विलेज, ऐसा सुनने को आया कि दीक्षु में अच्छा व्यू है, तो वहाँ पे उड़ेगा ड्रोन, ऑब्वियसली ड्रोन शॉट्स तो लूँगा एक दो। दीक्षु खोला, सो ये जो है दीक्षु खोला है। Thank you.
ऑलराइट गाइस, आई होप यू लाइक द ड्रोन शॉट्स। और अभी हम आई थिंक 1 आवर तक पहुंच जाएंगे गैंगटॉक। फाइनली रीच्ड व्यू पॉइंट। 3 डेज का राइड था लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मेमोरीज बनाया। थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन, जितने भी राइडर्स हैं सभी को थैंक यू सो मच। लास्ट आ गया, लास्ट आ गया, थैंक यू सो मच। आ गया, लास्ट आ गया। सो फाइनली पहुंच गया गैंगटॉक। एज यू कैन सी, बाप रे, काफ़ी 3 दिन का राइड था लेकिन काफ़ी मज़ेदार था यार। एंड सभी राइडर्स को दिल से थैंक यू, आप लोगों की वजह से मेरा नॉर्थ सिक्किम गुरुदंग का राइड भी कंप्लीट हो गया। और अभी जो है फिलहाल जा रहा हूँ रूम और काफ़ी थका हुआ हूँ, जाके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पर। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, और अगर चैनल पर नहीं हो तो अभी काफ़ी मज़ेदार कंटेंट आने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो या एज ऑलवेज थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।